सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और आज हम ना इस वाले घर पे काम करने वाले जो भी मिस्त्री हैं, कुल्ली हैं, सल्ली हैं, उनकी विदाई करने वाले हैं जो यहाँ गाँव के हमारे लोकल हैं। क्योंकि गाँव में ऐसा चलता ही है, जिस दिन काम कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद उनकी विदाई कर देते हैं। वैसे हमने जिस दिन गृह प्रवेश करा था उस दिन करना था ये काम, लेकिन उस टाइम शादी का सीज़न था तो सभी लोग बिजी थे, तो हमने सोचा कि आज जल्दी से करवा देते हैं इस चीज़ को। मम्मी पापा गए हैं परवाड़ी गाय बैल को चारा देने के लिए और मुझे ना बगल वाली ताई के घर पर जाना है, वहाँ से बर्तन ले आने हैं दिन के खाना बनाने के लिए। तो ताई जी का घर यहीं पास में ही है और यहाँ पे ताई जी लगी हुई हैं खोदे की लिपाई करने पे मिट्टी और गोबर से। पुराने ज़माने में ना पहाड़ में ऐसे लकड़ी के बर्तन बनाए रहते थे, इसको बोलते हैं परिया, इसके अंदर छांस करते थे और ये पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है। मतलब लकड़ी इतनी मोटी लकड़ी काट के इसमें बर्तन का शेप देके काफ़ी गहरा रहता है, अभी तो इसमें मिट्टी भरी हुई है। यहाँ पे ताई जी ने काफ़ी प्यारी फुलवाड़ी बनाई हुई है, घर के चारों ओर फूल लगाए हुए हैं गुलाब के और यहाँ पे देखिए प्याज भी बोया हुआ है, सब कुछ मतलब साग सब्जियाँ घर में ही हो जाती हैं और नारंगी के पेड़ भी हैं यहाँ पे, तो नारंगी भी खूब लगती है यहाँ। तो यहाँ पे मैं दो बर्तनों के लिए आया था, एक तो पतीला और एक कढ़ाई। कढ़ाई पे सब्जी बनेगी और पतीले पे चावल बनेगा। जब हमारे घर की छत पड़ी थी उस टाइम भी हम काफी सारे बर्तन यहीं ताई लोगों के घर से ले गए थे। मम्मी पापा भी आगे हैं परवाड़ी से गाय बैल को चारा देके पानी देके और अभी आज लगभग पूरे दिन यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे पापा जी तैयारी कर रहे हैं दिन के लिए सब्जी काटने की और मेरी बारी है जो वो बर्तन में ले आया हूँ उनको धोने की। लंच में हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी, चावल, दाल और अचार, सलाद, पापड़, जो भी चीज़ें हैं, तो नॉर्मल सा खाना होगा। और बर्तनों को भी मैंने चमका दिया है और माँ गई है ठीक सामने पे, वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ हैं क्योंकि जो चावल और सब्जी बनेगी वो लकड़ी वाले चूल्हे में बनेगी, यहीं बाहर पे खाना बनाएंगे बाहर चूल्हा लगा के। और जो ये वाला पतीला है ना, अभी इसके बाहर से मिट्टी से इसको पोतना है जिससे कि ये काला ना हो चूल्हे में रखते हुए। तो यहाँ पे हमारे जो पहले मिस्त्री हैं वो आ चुके हैं, जिन्होंने कि हमारे यहाँ पे खिड़की दरवाजे बनाए थे, मतलब जो चौखट है ना वो हमने यहीं पे बनवाई थी। अब यहाँ से ईंटें ले जाएंगे चूल्हा लगाने के लिए। अब यहाँ पे लकड़ी वाला चूल्हा बनाने की तैयारियाँ चल रही हैं, तो चूल्हा लग जाए उसके बाद खाना बनाने की तैयारियाँ भी स्टार्ट करेंगे। एक काम तो हो गया है, पापड़ तल लिए गए हैं, अब इनको किचन में रख लेते हैं एक बार। जब तक मिस्त्री लोग घर पे पहुंचते हैं तब तक खाना भी बनता रहेगा और माटे के जूस का आनंद लिया जाए। आहा, और अभी गिलासों से ना स्टिकर भी नहीं निकाले हैं, यूज ही नहीं हो रहे, स्टिकर आराम से निकलते रहेंगे जब एक बार यूज हो जाएंगे धुलेंगे। हमारे अगले मेहमान भी आ गए हैं बुआ जी, जो गिट्टियां तोड़ने के लिए यहाँ पे आए थे। तो मिलिए हमारे दादाजी से, हमारे परिवार में बस हमारे अब एक ही दादाजी हैं और इनकी उम्र है करीब 76 साल। 76 साल और दादाजी मेरे को समझा रहे हैं कि इनसे शादी कर लो कि शादी की उम्र हो गई है, तो देखते हैं अभी एक दो सालों के अंदर शादी भी हो जाएगी। बाकी बगल पे हमारे बुआ जी जो कि हमारे यहाँ गिट्टियाँ तोड़ने के लिए आए थे, आजकल दूसरी जगह गिट्टियाँ तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ का काम इन्होंने निपटा दिया है। अब बुजुर्गों में से दादाजी हैं तो दादाजी भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो अच्छा लगा, दादाजी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ पे जो काम वाले हैं लोग लगभग सभी आ गए हैं और बुआ जी आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, तो सुनिए कुछ ज्ञान की बातें बुआ जी से। को कंचन डाली पूजा करनी, खो खो खैर की खाली राम को भजनु, गो गो गाई स्नान गंगा करोण, गो गो घर की काम की लज्जा निमानी, गो गो ज्ञान गुरु की पूजा करनी, चो चो चंचल नारी संगनी कन, छो छो छक्षण हाथ बाजार निजान, जो जो झगड़ा कहते प्रेम निकन, यो यो यन बात मन मा रखनी, टो टो टक्की पाई पास में रखना, ठो ठो ठुगू बात एक निकनी, डो डो
डगडनी ढूंगी खोटनी धन अण 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 खोली कोई बास निकन ता ता रो मार निकनी थो था 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 थो हर कोई कर दो दो दादे दादो कोई बुरु निचाण धो धो धर्म करी की हानि निमाण नो नो नन्ना नु कोई बुरु निचाण पो पो पापी आदमी संग निकन फो फो फपकन गिचा बात निकनी बो बो बांगो लाखड़ कान निधन भो भो भर्या बना चोर निकन मो मो मम्मा में मामा का गुरु नियना यो यो एक विश्वास से काम तकन रो 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 रंगाली एक नीलाणी लो लो लंग लिंग डाली टूक निकाटण हो हको मरुण काय को डरुण वा वा वही मोकी हिस निमाणी सौ सौ सक सबका साथ प्रेम सरवण अक्ष अक्ष अक्षण क्वेशन निकन त्र त्र ताते त्रंकार काम निकरण ज्ञो ज्ञो ज्ञानी आदमी संगत करण ये 36 अक्षर नहीं। अगर इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुने तो बहुत ज्ञान की बातें हैं, मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बुबा जी से मैंने ये पहली बार सुना और लगभग शायद यहाँ पे सभी ने लगभग लगभग पहली बार सुना होगा, जो बुजुर्ग आदमी है उन्होंने तो सुना होगा ये सब चीज़ें। तो अच्छा लगा ये सुन के। बाकी अब सभी लोग पहुँच चुके हैं हमारे घर पर, थोड़ी देर में खाना खुना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जिस दिन मिस्त्री लोगों की विदाई होती है उस दिन का काम रहता है उनका जो भी पेमेंट है बचा हुआ वो सारा कुछ देना, उन पर टीका लगाना और लिफाफा पकड़ा के लंच करवा के उनको भेजना। तो ऐसा कुछ सीन होता है हमारे यहाँ पहाड़ों में। और यहाँ पे अब तैयारी कर रहे हैं खाना खाने की। ये तिरपाल बिछा देंगे, इसमें बैठ के मस्त मजे से खाना खाएंगे अब। और हवाएं भी तेज चलने लगी हैं, शाम को मौसम गड़बड़ भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है बाबा। तो चलिए जी, लगभग सभी ने खाना खा लिया है, कुछ लोग बच गए हैं, हम उनके साथ ही खाएंगे। और यहाँ पे आई है रोशनी, जिसकी शादी की वीडियो आपने देखी होगी, अपनी मायके आई है, अभी शर्मा रही है। तो आप सभी का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला उन वीडियोस पे, आपने बहुत पसंद करी, तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। ठीक है भाई, ठीक है। अब सभी लोग अपने घरों को जा चुके हैं और अब अगला काम रह गया है बर्तन धोना, जिन पे खाना बना था और जिन पे खाना खाया है। यहाँ पे सारे बर्तन सुखाने के लिए रखे थे, अभी सूख गए होंगे, अब इनको अंदर ले जाते हैं। बाकी जो ये वाले बर्तन हैं पतीला और कढ़ाई, ये ताई जी के हैं, उनके वापस देने हैं। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, लौट जावा। तो यहाँ पे ये ताई जी आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि उनके यहाँ जो ताऊ जी थे वो यहाँ पे काम करते थे और पिछले साल उनकी डेथ होगी, तो फिर उनको बुलाया हमने इस बार। उनके कुछ पैसे बचे थे, उन पर भी टीका लगा के उनको भी विदा कर दिया है। बाकी यहाँ पे ये ताई जी हैं, इनके बर्तन अभी मैं देने के लिए जाता हूँ उनके घर पे, फिर उसके बाद मैं आराम करूँगा क्योंकि आज सुबह से लगे हैं काम पे। तो चलो जी, ये बर्तन यहाँ पे रख दिए हैं, अब वो ताई जी अंदर अपने आप रख देंगी। ठीक था ठीक। और सामने के जंगलों में ना आज भी आग लगी हुई है, फिर से यहाँ ऊपर जंगल में किसी और जगह पे आग लगा दी है, पता नहीं किसने लगाई। आजकल पूरे पहाड़ देखिए खाली धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है, पहाड़ तो क्लियर दिखाई दे नहीं रहे आजकल। तो ऐसा गुस्सा हमारा आज का दिन। तो आप बताइए कि क्या आपके यहाँ भी ऐसे जो मिस्त्री हैं उनकी विदाई करते हैं? हमारे यहाँ पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है। और इसके बाद अब ना मम्मी पापा को परवाड़ी जाना है गाय बैल को चारा पत्ती देने के लिए, फिर वापसी आना है शाम को इधर। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं लोकराणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।